वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ सागर कुमार। आज के इस वीडियो में गिग्स पर गिग्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम है प्रोडक्ट एरे पजल। ये क्वेश्चन इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी कंपनी में पूछा जा चुका है, फ्लिपकार्ट, ओपेरा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनी है, इंट्यूट, मॉर्गन स्टैनली। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन, एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का जिसका कि साइज एन है। कंस्ट्रक्ट ए प्रोडक्ट एरे पी ऑफ साइज एन, और एक कंस्ट्रक्ट करना है नया एरे को, पी एरे को सेम साइज का जो कि नम एरे है, जितने साइज की उतने साइज का एक नया प्रोडक्ट एरे पी बनाना है। ओके, सच डेट पी ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स आई। तो समझते हैं, एक नंबर दिया हुआ है, फाइव एलिमेंट है, और एक एरे दिया हुआ है नम्स जिसमें कि फाइव एलिमेंट स्टोर है, और एक प्रोडक्ट एरे बनाना है। बट कंडीशन ये है कि आई इंडेक्स पे जो है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, इस पे टेन पे, टेन वाले एलिमेंट को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जितने एलिमेंट है सबका प्रोडक्ट इस पे स्टोर करना है। थ्री इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू टेन करके हो गया 180, 180 स्टोर कर दिए। फिर सेकेंड एलिमेंट पे क्या करेंगे, इस सेकेंड को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जितने इंडेक्स है उस इंडेक्स पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके प्रोडक्ट इस पर स्टोर कर देंगे। ओके, और थर्ड इंडेक्स पे भी यही करेंगे, थर्ड को छोड़ के 3 × 10 और 6 × 2, ये रेस्ट ऑफ द फोर एलिमेंट का प्रोडक्ट करके इस पर स्टोर कर देंगे। इस तरह से बनाना है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये एड दिया हुआ है, फाइव साइज की एरे दिया हुआ, और इसकी प्रोडक्ट एरे निकालना है। ओके, बट कंडीशन ये है कि जिस इंडेक्स का प्रोडक्ट निकालना है उसको छोड़ देंगे और रेस्ट ऑफ द जितने इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करके इसमें स्टोर कर देंगे। ओके, जैसे फर्स्ट में इस चारों का प्रोडक्ट करेंगे तो 180 हो गया, 3 × 5 × 6 × 180। ओके, फिर आई इज इक्वल टू 1 पे पी आई प्रोडक्ट आई फर्स्ट पे इस एलिमेंट को छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उस इंडेक्स को छोड़ देना, रेस्ट ऑफ द इंडेक्स जो भी है 10 × 5 × 6 × 600 हो गया। फिर आई इज इक्वल टू 2 पे निकाले, 2 वाले इंडेक्स को छोड़ के जितने इंडेक्स है उसका प्रोडक्ट निकाल लिए। फिर थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जितने इंडेक्स और रेस्ट ऑफ द इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट निकाल लिए 300, और फोर्थ इंडेक्स को छोड़ के जितने इंडेक्स बच रहे थे उसका प्रोडक्ट निकाल लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट एरे बनाना है। ओके, फाइव एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 5 है। ओके, हम क्या करेंगे, पूरे जो ये एरे है ना इस एरे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फोर लूप की हेल्प से पूरे एरे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये फोर लूप के हेल्प से प्रोडक्ट को वन इंसलाइज कर देंगे और एरम जितने एलिमेंट हैं वन बाय वन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्रोडक्ट में स्टोर करते जाएंगे। तो ये पूरे एरे के जो एलिमेंट हैं पूरे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, पूरे का एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, 10 × 3 × 5 5 × 6 6 × 2, तो ये टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 1800। ओके, 1800 हो गया टोटल एरे का प्रोडक्ट। अब निकालना है एक नया प्रोडक्ट एरे निकालना है, बस उसका कंडीशन ये है जिस इंडेक्स का निकाल रहे हैं प्रोडक्ट उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंडेक्स पर जितने एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट। तो हम अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो पूरा का निकला है, इस 1800 हम क्या करेंगे जिस इंडेक्स का निकाल रहे हैं उस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 10 एलिमेंट है तो 10 से डिवाइड कर देंगे 100 कैंसिल हो गया 180, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 180 स्टोर कर देंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट एरिया 1800 है और सेकंड इंडेक्स पे कितने कौन से एलिमेंट हैं, 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से करेंगे तो 600, तो यहाँ पे 600 स्टोर कर देंगे। थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा
360, फोर्थ इंडेक्स पे 6 है तो 6 से इस पर करेंगे 6 × 18, डेट मीन्स 300। ओके, और ये लास्ट इंडेक्स 2 है तो 2 से इसमें 1800 में डिवाइड करेंगे तो 9, और रिजल्टेंट भी प्रोडक्ट एरे भी यही बना है और ये भी सेम बना है। ओके, तो इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, कि पूरे मल्टीप्लीकेशन एरे कर लिए, इसके बाद 1 by 1 इंडेक्स पे गए और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू था उसे डिवाइड कर दिए प्रोडक्ट एरे में और अपडेट कर दिए एरे को, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप डिवीजन मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, तो फिर इसको सॉल्व दूसरा मेथड से करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें 2 एरे बनाएंगे, डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, दूसरा मेथड इसमें हम एक तो बनाएंगे प्रीफिक्स स्टार्ट और दूसरा बनाएंगे प्रीफिक्स एंड। ओके, प्रीफिक्स स्टार्ट और प्रीफिक्स एंड, तो अब समझते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट एरे में हैं, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसमें एक तो प्रीफिक्स स्टार्ट दूसरा प्रीफिक्स एंड निकालना है। अब देखते हैं कि प्रीफिक्स स्टार्ट कैसे निकालते हैं और प्रीफिक्स एंड कैसे निकालेंगे। ओके, तो प्रीफिक्स स्टार्ट निकालते हैं सबसे पहले, तो प्रीफिक्स स्टार्ट फर्स्ट में 1 हो गया, फिर सेकंड पे प्रीफिक्स 1, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2, प्रीफिक्स थर्ड पे तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट 6, और इसका प्रीफिक्स कितना हो जाएगा 4 × 6, 24। प्रीफिक्स स्टार्ट निकाल लिए, 1 का 1 प्रीफिक्स, 2 का 2 और 1 मल्टीप्लीकेशन थर्ड पे और फोर्थ पे, फोर्थ एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, प्रीफिक्स स्टार्ट निकाल लिया। अब प्रीफिक्स इंड निकालेंगे, तो फर्स्ट इधर से प्रीफिक्स 4 हो जाएगा और इसका 4 × 3, 12 और 2 से मल्टीप्लीकेशन, इसमें 2, ये 24 हो गया और 24 1 से करेंगे 24, तो इस तरह से प्रीफिक्स इंड निकालेंगे, 4 एलिमेंट था तो प्रीफिक्स 4 हो गया, 3 था तो 4 × 3 कर दिए, 2 था तो तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इस तरह से प्रीफिक्स स्टार्ट और प्रीफिक्स एंड निकाल लिए। ओके, अब इससे प्रोडक्ट एरे कैसे बनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्ट एरे जो निकालना था उसमें एक कंडीशन था कि जिस इंडेक्स के निकाल रहे हैं उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ देना है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये फर्स्ट वाला, इसमें 2 बाउंड्री केस बनेगा, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो इस 1 को छोड़ के जितने रेस्ट ऑफ एलिमेंट है इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो ये एलिमेंट इस दोनों इंडेक्स में देखेंगे कहाँ पे स्टोर है, तो ये प्रीफिक्स इंड वाले पे यदि इसको हम छोड़ देते हैं तो ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको 24 यहाँ पे स्टोर कर देंगे। प्रीफिक्स के जो ये एलिमेंट है फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे, और एक बाउंड्री केस ये प्रोडक्ट एरे के लास्ट एलिमेंट है, ये कहाँ पे है, यदि इस 4 को छोड़ देते हैं तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ये 3 बच रहा है, 3 × 2 = 6 बच रहा है, ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रीफिक्स स्टार्ट के एन -1 पे स्टोर है, तो इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब बीच में जो एलिमेंट है इसको फोर लूप के हेल्प से 1 by 1 इटरेट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या कंडीशन करेंगे, जिस इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं उसके प्रीवियस उस इंडेक्स में से -1 कर देंगे और मल्टीप्लीकेशन i+1, डेट मीन्स यदि हम ये 6 इंडेक्स के इसके ये 3rd इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं तो इस पर ये प्रीफिक्स स्टार्ट 6 है और ये प्रीफिक्स इन 12 है, तो इसमें से -1 कर देंगे, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लीकेशन और प्रीफिक्स इंड में से +1 कर देंगे, तो
तो ये आ जाएगा 4, ओके, ये 4 आ जाएगा, तो 4, ओके, तो ये 4 कर देंगे, तो आई जो प्रीफिक्स स्टार्ट था उसमें से -1 और प्रीफिक्स इंड +1 कर देंगे, इस तरह से इसको हम निकालेंगे, तो ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ओके, ये 4 और 2, 4 × 3 ये हो गया 6 और ये 8, तो इस तरह से निकालेंगे। अब इसको हम कोड के द्वारा करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा बातें, ओके। तो कोड मैं इसका पहले से लिख रखा था, इसमें 3 एरे बनाए हैं, एक प्रोडक्ट वाला जिसका कि नाम आंसर एरे दिए हैं, दूसरा एक प्रीफिक्स स्टार्ट और दूसरा प्रीफिक्स एंड बनाए हैं, ओके, और एक बाउंड्री केस लिखे हैं। यदि एलिमेंट एक ही प्रेजेंट हो तो एक ही एलिमेंट को उस आंसर वाले एरे में स्टोर कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, तो बाउंड्री केस अपना है। और इसमें हम क्या कर रहे थे, 2 एरे बना रहे थे, एक प्रीफिक्स स्टार्ट और प्रीफिक्स एंड। तो प्रीफिक्स स्टार्ट पे फर्स्ट पे हम क्या कर रहे थे, नम 0 को स्टोर करा रहे थे और फॉर लूप के हेल्प से पूरी प्रीफिक्स स्टार्ट निकाल रहे थे 1 by 1 करके। और दूसरा एरे बनाए प्रीफिक्स इंड, ये भी प्रीफिक्स इंड हम निकाल लिए इस फॉर लूप के हेल्प से। इसके बाद क्या किया, प्रोडक्ट जो एरे बन रहा था आंसर एरे उसमें हम कर रहे थे, तो इसमें बनना था बॉर्डर केस, एक तो फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। तो फर्स्ट वाले पे फर्स्ट एलिमेंट के छोड़ के प्रीफिक्स इंड का 1 जो एलिमेंट था 1 पे वो स्टोर कर दिए, और ये प्रोडक्ट के लास्ट पे ये प्रीफिक्स स्टार्ट के एन -2 वाले जो एलिमेंट था वो स्टोर कर दिए, ओके। इसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है उसको इस फॉर लूप की हेल्प से निकाल लें, जिस भी इंडेक्स का निकाल रहे हैं उस इंडेक्स में से -1 कर दिए प्रीफिक्स स्टार्ट एरे में से, और प्रीफिक्स इंड में से i+1 कर दिया और सिंपली रिटर्न कर दिया आंसर को, ओके। कंपाइल करके देखते हैं कोड को, तो ये कंपाइल हो गया, सबमिट द कोड, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।